के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। भाग कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अर्णब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ है। दोबारा से सुनिए, ध्यान से सुनिए। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी समेत तीन लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ है। एक इंटीरियर डेकोरेटर ने आत्महत्या कर ली और जिस कमरे में उसकी लाश पंखे से झूलती हुई मिली है, उसी कमरे में उसी के पास उसकी माँ की लाश भी पड़ी हुई मिली है। मामला बहुत गंभीर है। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि रिपब्लिक टीवी ने सभी आरोपों से इनकार किया है, लेकिन जिस तरीके से मृतक ने अपना सुसाइड नोट छोड़ा है, क्योंकि मरने के बाद विक्टिम का जो सुसाइड नोट होता है वही सबसे बड़ा प्रूफ होता है। अगर फॉरेंसिक लैब में साबित हो गया कि वाकई में उसी की राइटिंग में है, वो सही लिखा हुआ है, तो ये अर्णब गोस्वामी के लिए खतरे की घंटी हो सकता है और ये उनके लिए बड़े ही कठिन पल हो सकते हैं और उनको जेल जाना पड़ सकता है। आत्महत्या के लिए उकसाने की जो धारा है वो 306 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरा मामला क्या है वो आपको बता देता हूं। रिपब्लिक टीवी है, इंग्लिश का न्यूज चैनल है, अर्णब गोस्वामी उसके एडिटर इन चीफ हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और फरोज शेख, वो भी उसी टीवी चैनल में काम करते हैं, बताते हैं, उनके खिलाफ, और तीसरा नाम है नितेश सारदा। इन तीन लोगों के खिलाफ रायगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है महाराष्ट्र के। जो वहां के एसएसपी हैं संजय पाटिल, उनका बयान है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच करी जा रही है और रिपोर्ट जो दर्ज की गई है वो मृतक के सुसाइड नोट के आधार पर की गई है, क्योंकि मृतक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उसने रिपब्लिक टीवी में काम किया इंटीरियर डेकोरेटर का, लेकिन इन्होंने उसकी पेमेंट नहीं की। काफ़ी लंबे अरसे से वो अपनी पेमेंट के लिए धक्के खा रहा था, इन लोगों ने पेमेंट नहीं की, वो उसको मानसिक तौर पे इतनी पीड़ा पहुंची, उसका बिजनेस बर्बाद हो गया, तो उसने अपने आप को लटका लिया। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। 5 मई को ये इंटीरियर डेकोरेटर अनवे नायक ने सुसाइड किया है, जिस कमरे में अपने बंगले के, जी हाँ, जिस कमरे में अपने बंगले के उन्होंने सुसाइड किया, उसी कमरे में उनकी माँ की लाश पड़ी हुई मिली है। माँ का नाम कुमुद बताया जा रहा है। माँ की लाश पड़ी होना भी एक मामले को सस्पेक्ट कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है बेटे को लटके हुए देखा तो माँ ने सदमे में जान दे दी, माँ की सदमे में जान चली गई, माँ को सदमा पहुंचा और मां की जान चली गई, क्योंकि मां अपने सामने अपने बच्चों की, जवान बच्चों की, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है मां बाप के लिए जवान बच्चों की अर्थी उठाना, जवान बच्चों के कंधे पे, जवान बच्चों की लाश अपने कंधे पे लेके जाना, एक बुजुर्ग मां बाप के लिए सबसे बड़ा दुनिया का बोझ माना गया। बुजुर्ग मां बाप के लिए पूरी दुनिया में कहा गया कि इससे बड़ा कोई बोझ नहीं होता जो ये बोझ उठाया। तो बेटे ने पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया है और माँ ने वहाँ पड़ी हुई हालत में मिली है। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या है रिपब्लिक टीवी का पूरा मामला और ये कैसे इस मामले में अपने आप को बता रहा है? तो रिपब्लिक टीवी की तरफ से जो बयान आया है उसने कहा, दिसंबर 2016 में कौन कार्ड डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड की हमने सेवाएं ली थी, लेकिन हमने उसके तमाम पेमेंट कर दिए हैं। अगर पुलिस जाँच करेगी तो हम उनको चेक और वाउचर्स वगैरह सब चीज़ें उपलब्ध करा देंगे। लेकिन जवाब, सवाल तो ये है कि पेमेंट कितनी की गई थी, कितनी नहीं की गई थी, कोई आदमी सुसाइड करके क्यों मर रहा है, और सुसाइड करके अगर मर रहा है तो ये भी क्या किसी विपक्ष के लोगों की साजिश है कि आपका नाम लिख के मर जा रहा है? कुछ तो रहा होगा ना। अब जांच होना इसमें बहुत ज़रूरी है। मृतक का सुसाइड नोट में तीन लोगों का नाम है, जैसे मैंने बताया, फरोज शेख का, नितेश शारदा का, अर्णब गोस्वामी का, और इनकी पत्नी है अक्षिता, उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है और उन्होंने सीधा एलिगेशन लगाया कि मेरे पति ने वहाँ पर काम किया, अनवे नायक ने, और वहाँ पे काम करने के बाद उनको पैसा नहीं दिया गया, पैसा जब वो मांग रहे थे तो लगातार मांगने के बाद भी उनको पैसा नहीं दिया गया, जिससे वो डिप्रेशन में चले गए, बिजनेस उनका टूट गया था और उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि अर्णब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हो गया है, वो भी मृतक के सुसाइड नोट के आधार पर। अगर फॉरेंसिक जाँच में वो लेखनी उसी मृतक की, अनवे नायक की, पाई गई तो ये एक खतरे की घंटी होगी रिपब्लिक टीवी के चीफ एंड एडिटर के लिए, अर्णब गोस्वामी के लिए। आपने देखा होगा अर्णब गोस्वामी को चिल्लाते हुए, चीखते हुए, वो ऐसे चीखते चिल्लाते हैं विपक्ष के नेताओं पे। आपने देखा होगा गांव में एक दबंग होता है, वो गरीबों को बड़ा उड़काता है, लेकिन जब वो किसी शहर में जाता है तो वहां अपना एंटीना नीचे करके चलता है, ठीक है?
क्योंकि एंटीना कट जाने का डर रहता है, वहाँ बड़ा दब दब के बात कर रहा है जब बड़ों के सामने जाता है, लेकिन जब गांव में आता है तो वो जो गरीब गुरबा लोग हैं उन पे ज़्यादा गुर्राता है। जो 44 सीटों पे सिमट आई है कांग्रेस, जो सपा 5 सीटों पे सिमट आई है, जो बसपा जिसका कोई सांसद नहीं बचा है उसी पे चिल्लाते हो। और इन लोगों के चिल्लाने की एक वजह और आपको बता दूं, ये लोग कल को अगर सत्ता बदल गई ना तो फिर विपक्ष पे चिल्लाएंगे, फिर सत्ता पक्ष के साथ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सरकारी दरबारी टाइप के लोग होते हैं, ये उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, ये जिधर अपना भला देखते हैं उधर हो जाते हैं। अभी इन्होंने ये जो न्यूज़ चैनल शुरू किया है वो किसके पैसे से शुरू हुआ है, क्या हुआ है, इनके एक प्रमोटर को राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी ने भेज दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें सोचने लायक हैं और वो विचार करने लायक हैं। इतना करोड़ रुपया चाहिए न्यूज़ चैनल चलाने को, हर महीने 50 करोड़ से ज़्यादा पैसा चाहिए खर्च करने को, इतने लोगों की सैलरी देनी है, पूरा का पूरा एक सेटअप रखना है, कहाँ से मेंटेन करते हैं, कहाँ से पैसा आता है, कितनी इनकम है। 6 मई 2017 को लॉन्च किया गया था रिपब्लिक टीवी, इससे पहले अर्णब गोस्वामी महोदय टाइम्स नाउ में थे, और टाइम्स नाउ की जो कंपनी है BCCL का चैनल है ये, उसने भी इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी इस चैनल को लॉन्च हो जाने के बाद, और एलिगेशन लगाया था कि साहब ये हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें चुरा के ले गए, इन्होंने हमारे यहाँ धोखाधड़ी की है, इसको लेके भी एक FIR इनके खिलाफ पहले दर्ज हुई है। तो ये कोई नया मामला इनके खिलाफ नहीं है, लगातार ये दूसरा और भी मामले कहीं ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इस बार का जो मामला है वो एक व्यक्ति की मौत का मामला है, सदमे में अब उसकी मां की जान गई है, मामला थोड़ा सस्पेक्टेड है, जैसे जैसे चीजें आएंगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि अर्णब गोस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज की गली गई है आत्महत्या के लिए उकसाने की। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में अपनी राय दे सकते हैं, हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही किसी सुलगते मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूंगा हाजिर, फिलहाल अभी मुझे दे इजाजत।